तो वीकेंड का वार लेकर मैं तो नहीं आया सलमान भाई है, लेकिन ले से 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 <laughs> 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 शिल्पा जी की जो है न, वो खाना वाना बनाने में ना बहुत लेकिन आप बड़ी है तो क्यों आज क्या ये क्या सीन क्या मैन का क्यों आई बड़ा यूनिक सा अच्छा सा लग रहा है वैसे तो तारीफ हाँ? करो अच्छी रहा हूं। ये ऐसे मैंने मैंने देखे नहीं है पे कभी यार actually, ना मैंने का एक ब्रांड किया है, okay. मैं तो इसलिए मैंने अपने जैसे लोगों के लिए जो किचन में बहुत ज्यादा रहते हैं जो mm -hmm. शेफ हैं है, उनके हाँ. लिए मैंने एक एप्रिट डिजाइन किया यहाँ पे इन पॉकेट भी है वो ट्रावल है और पॉकेट है और भी बहुत सारे वो है तो मैंने सोचा आज मैं बस थोड़ी प्रोमोशन कलर का वो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे जो वो <laughs> कॉम्बिनेशन है ना और भी बहुत के सी है के कुछ एप्रिन फिलहाल तो अभी वर्क यूनिफॉर्म्स का है वो आगे और भी बहुत सारी चीजें ऐड होंगी लगा देते बिग बॉसोड पे आए बिल्कुल तो भाई तृप्ति और राजकुमार राव जो जो है है अपनी फिल्म को लेकर वो बहुत जाते हैं 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 प्रमोट करने के लिए हाँ। सल, के लिए वो वो पहले सलमान खान साथ थोड़ा फन करते हैं, वांस करते डांस क्योंकि उनके हाँ। राजकुमार राव जो होते हैं वो 90's के 90's बड़े फैन, के है। बड़े फैन है। तो के रहे हैं वो तो वो इंस्पायर होता होगा पुराने एक्टर से जैसे वही संजय दत्त आमिर खान सलमान खान शाहरुख खान की फिल्में देख देख देखा तो डायलॉग्स भी याद है है क्या बात क्योंकि भाई ऑब्वियसली जो पैशनेट होता है अपने काम के बारे में तो उसको शुरू से एक्टर बनना होगा तो, तो इसलिए उसने वो देखता होगा सारी चीजें उनका फेवरेट था गुन्रतिन भाई वैसे गुणरतन में देख रही हूँ उनकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी जा रही है और अगर मैं सोशल मीडिया में <laughs> इंस्टाग्राम वगैरह पे भी देखूँ तो बहुत सारे लोग गुणरतन को बहुत प्रेस कर रहे हैं जो कि सही भी है कुछ लोगों के लिए वो इरिटेटिंग हो सकते हैं बट जो एंटरटेनमेंट के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा मसाला एड कर रहे हैं है, हाँ। बहुत मजा आ रहा है उनको देखने में मतलब जिस जिस तरह तरह से वो तरह से वो डायलॉग बोलते हैं और है जो सना हाँ। है वे भी आके उनकी एक्टिंग हाँ। तो मतलब हूँ हाँ। लेकिन कॉन्स्टेंट वही कोई डरता नहीं कराची बोलो म से उड़ोड़ते हैं तो ये मुझे लगता है भाई वो कराची वाले से ना उनका फुल पंगा वंगा है और वो ना दाऊद इब्राहिम वाली वही दाउदी सुना रहे होते हैं बहुत पंगा है यार मुझे है। मतलब मतलब हम लोगों से तो कभी प्रेम कर ही नहीं सकते <laughs> <laughs> उनकी प्रेम की भूमिका हमारी तरफ तो आई मुंबई तक जो है वो सीमित है तक सीमित है कराची वालों से मेरा जो है छत्तीस का आंकड़ा है यही समझे कराची वाले बड़ा पसंद करते हैं भाई आपको तृप्ति का जो फेवरेट है वो बिपिन है क्योंकि वो उनको देखते हैं आप फिर गलत बोल रही है आप हाँ, विवियन, विवियन, हाँ, विवियन, विवियन, विवियन 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 हाँ। विवियन 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 तो वो है उनके फेवरेट भाई लोग बोल रहे हैं हम मैं बायस्ड हो रही हूं हम बायस्ड हैं ऐसा तो कोई बात नहीं है मैं मतलब मैं तो अपना फेवरेट बताया था क्योंकि ऑब्वियसली हम भी उसके बचपन से ड्रामे देखते आ रहे हैं और सारा उसको मतलब अच्छा लगता था ऑब्वियसली हर लड़की को अच्छा लगता था क्योंकि जिस तरह के उसके ड्रामे आए थे मधुबाला प्यार की कहानी ये वो, तो हम तो उसके फैन है अब यहाँ पे आगे आगे जाके वो कोई ऐसी गलती करेगा, तो obviously आ, हम, हम बिग बॉस थोड़ी है जो <laughs> हो जाएंगे, और हमारा लाडला हम विवेन को वो करेंगे लेकिन देखे ना आप सब जैसे चाहत को सब कह रहे होते हैं कि वो खुद को जैसे उनका डायलॉग था कि मैं खुद हीरो गेम खेला के पुराने पिछले उसमें जाते हैं और उनकी जितनी भी चीजें है उसको

हाँ। तो क्यों ना बोले बंदा जब अचीव भी किया है इतना सब कुछ तो थोड़ा बहुत तो नहीं, हो, नहीं मैं ऐसे ही कह रहा हूँ मैं <laughs> देखो दो रुख दे रहा हूँ ना

वो पे चली कि उसने तो कोई मतलब सुना होगा लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया उसने का हाँ। फायदा नहीं है बोलने का हाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब उसको ना इस बात मूव ऑन करना चाहिए उसको कोई और अच्छा स्ट्रॉग टारगेट ढूंढा जिसके साथ उसकी लड़ाई या उसकी बहसबाजी ये सब देखने में मजा आए और बहसबाजी ना भी करे तो अब देखने अच्छा एक लिंक इसका उसके साथ साथ करण के जो 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 दोस्त, हाँ। अच्छा है जो बैठते हैं कर कितना अच्छा लोग एक परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं नोक होती है। अच्छा, जब टास्क के दौरान ये भी बोला गया था कि भाई आप थ्रेड हैं तो बहुत सारे लोगों ने उसके लिए हाथ उठाया था आप थ्रेड हैं क्योंकि ऑब्वियसली रीजनिंग भी लोगों ने सही दी क्योंकि एक अच्छा फेस से इतना वेल नोन टेलीविजन आर्टिस्ट है पर उसके बाद कलर्स का इतना इम्पोर्टेंट बंदा है मतलब ऑब्वियसली कलर्स को इतना टाइम दिया उसने अपने करियर का वो खुद अपने मुँह से बोला है कि अपने पूरा एक डिकेट कलर्स को डेडिकेट किया है मतलब जितने भी शोज़ या जो भी उसने जो भी किया है वो मेनली कलर्स में ही किए हैं उसने वाकई में जो देखा जाए तो मेरे ख्याल से थी एक बात और बाकी इसी तरह से सबको पिन पॉइंट किया जा रहा था तो उसको भी किया जा रहा था जो आरफीन वाला भी सीन हुआ है आ, उस पे भी जिस पे आरफीन और सारा ने अपने ओपिनियंस शेयर करे थे मुझे लगता था सम्... काफी उन्होंने वॉयलेंट करार दे दिया कि वो हाथ भी उठा सकता है किसी ऑपोजिट जेंडर पे भी तो वो मेरे ख्याल से बहुत स्ट्रांग ओपिनियन नहीं था आरफीन का अब मुझे ऐसा लगता है कि करण के बिग uh, मुद्दा जो उठाया जा रहा है ना अभी जो करंटली आज के एपिसोड में मुझे ऐसा लगा मुझे ऐसा फील हुआ कि करण की जो दो शादियां टूटी हैं जो अनसक्सेसफुल मैरिजेज़ हैं उसको बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है जहां तक मुझे ऐसा लगता है क्योंकि देखिए भारती वगैरह भी जब आए थे तो उन्होंने यही एक चीज़ उठाई थी फिर उसके बाद उसने भी जो है आरफीन और सारा में स्टेज पे भी ये बात हो रही थी तो उस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है उसकी दो अनसक्सेसफुल मैरिज़ को उसने डिस्कस किया है मैंने नहीं देखा अगर किया भी है तो मुझे नहीं पता मे बी किसी और को पता हो तो आप लोग बताएं लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या रीजनिंग थी लेकिन उस चीज को बहुत क्या पता कल को बिग बॉस कुछ ऐसा आएगा आएगा के हो कुछ और आ जाए हाँ। और इनकी कोई एक एक्स वाइफ आ जाए एज अ कंटेस्टेंट मे बीशन पॉसिबल बहुत सारे ऐसे होता है कि घर में कोई आ, ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जा रहे होते हैं जहाँ जो बाहर के लोग फिर जो है वो दूसरे स्टेटमेंट्स जो है क्लैरिफाई hmm. करते हैं बहुत पिछले सीजन ah. में तो बहुत हुआ है ah. तो ऐसा भी हो सकता है अभी देखें उन्होंने करणवीर ने कहा कि मैंने आज तक अपनी दोनों वाइफ्स के ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाया hmm. हमारी आर्ग्यूमेंट जरूर हुई है बट मैंने hmm. कभी भी हाथ नहीं उठाया मैं ah. कभी भी वॉलेंट वो इस तरह से हमारे बीच में कुछ हुआ नहीं ah. है तो ये 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 इस तरह से स्टेटमेंट देना कि भाई जो है वो इस टाइप की हरकत कर सकता है में आके तो जैसी बात आप इल्जाम लग रहा है आपके कैरेक्टर पे इल्जाम लग रहा है तो ये तो, बहुत ही ऐसी चीज है जो बस सोच समझ के बोली चाहिए तो फिर उन्होंने कन्फ्रंट किया आपस में डिस्कशन किया आरफी हाँ, ने बड़ा अच्छा खुद को खिसका लिया हाँ। बड़ा प्यार हाँ, मोहब्बत से समझा के उसको और सारा ने भी बोला कि चाहत के बारे में सारा ने बोला कि उसको वो जो है वो अपने एक उसमें ही रहेंगी एक बहु सीरियल सास बहु सीरियल वाली टाइप्स तो उसको मैनिपुलेट करना उसको Easy लेकिन, लेकिन मुझे नहीं, ऐसा, नहीं, नहीं भाई मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसको मेनिपुलेट कर वो एक सोलो गेम चल रही है चाहत की जो करना चाह रही है जो सोचा है वही कर ली किसी के वो मेरे ख्याल से बहकावे में आ नहीं रही है तो, बहकावे में भी नहीं आ रही है और वो जो भी कर रही है ना वो अपने वो I don't think so, उसकी real personality देखें अभी तक बाहर आई ही नहीं, नहीं है नहीं। कि इंसान कुछ हो पा रही मतलब हेमा जी बग्गा जी और गुरु से अच्छी बातचीत है लेकिन वैसे बहुत ज्यादा उसमें नहीं जैसे एक ग्रुप हमारे पास तीन लोगों का बन चुका है ट्रियो जो है लोगों में देखा है ईशा ईशा मुझे वैसे अगर टू बी ऑनेस्ट मैं एज़ अ व्यूअर अगर उसको देखूँ या मुझे उससे वाइब जो आती है जो मुझे इंट्यूशंस होती हैं मुझे ऐसा लगता है ईशा थोड़ी सी ना बदतमीज़ टाइप मुझे ऐसा लगता है मतलब उसके बात करने के स्टाइल्स और जैसे मुझे ऐसा लगता है कि वो चलाक है उन तीनों में वो बहुत ज़्यादा थोड़ी एरोगेंट सी चिड़चिड़ी सी अचानक से चिड़ जाना वैसी टाइप से तो अब लड़ाई और ईशा के बीच में ही दिखा रहे अब अभी भी देखे ना कि अविनाश का एक रीजन ये था लड़ाई करने का कि जो वो आरफीन ने कहा था कि सी स्मार्ट वो उन्होंने बोला कि हमने तो नहीं देखा तो उसपे उस चिड़ गया कि तो आप लोग ने क्यों नहीं देखा आप खड़े थे उस वक्त दोनों तो आप, ये हाँ, ये यही तो मतलब आ, ये कोई पॉइंट नहीं हुआ नहीं। अगर मैं तुम और मैं बात कर रहे हैं और हम लोग कोई और तीसरा बंदा आके कोई चीज बोले और तुमने नहीं सुनी नहीं। और मैं बोलूं, यार तुमने सुनना चाहिए था ये तो और गुस्से से चले तो यार दिस इज नॉट द पॉइंट ईशा ये समझाया था कि भाई तुम इस तरह से हमको कर रहे हो कि जैसे हमने जान के हमने देखा और कह रहे कि नहीं देखा लेकिन भाई हमने नहीं देखा है उसने कोई ऐसी चीज़ बोली है तो और फिर ईशा तो बहुत हद तक चाह रही थी कि भाई अविनाश एलिस की बात सुन लो बात सुन लो बात सुन लो, लो लेकिन नहीं फिर ईशा को भी आ जाता है गुस्सा yeah. और बोले तुम लड़ते रहो मैं तो जा रही हूँ क्योंकि वो बात आगे बहुत बढ़िया yeah. है इसमें बस ये वाली स्टेटमेंट जो एलिस बोली थी कि भाई ये तुम्हें ये नहीं बोलना चाहता कि भाई hmm. फिर हम लोगों की फ्रेंडशिप जो है वो किसी का वो इसकी नहीं है वी वी

करीब भी है गौतम के कहीं ना कहीं तो मुझे लग... तो देखो ना होती है हर सीजन हाँ। में कोई ना कोई आपको लगता है कि यार इसके जैसा है हाँ, तो वो इसके जैसा है वो तो थो थोड़ी बहुत, बहुत होती ही होती है तो सलमान खान ने अपनी वो कर दी क्योंकि वो गुस्सा इतना एग्रेशन में रहता है तो मेरे ख्याल से उसने उन्होंने उस चीज से कंपेयर किया तो वो गौतम और जहीर का कॉम्बिनेशन उन्होंने बना दिया उसको बाकी आपकी मलिक का शरारत जिसको आप शरारत शरा, कहती है। वो देखें उन्होंने आकर आप देखें मैंने उनका सनाम सही रखा है उन्होंने आके पूरा टाइम सिर्फ शरारत की है चाहे <laughs> वो सलमान खान के साथ हो आ, और चाहे वो अंदर के लड़कों के यार साथ उन्होंने अपनी एक इमेज ऐसी बना ली कि वो जो नहीं एक, एक हॉट लेडी होती है जिसका नाम करना, करना होता हाँ, है और अपने काम निकलवाना होता है मेरा से वो उसी तरीके से अब आ गई है सलमान खान तक को नहीं छोड़ा उन्होंने सलमान खान खानबल हो रहे थे ज्यादा कंफर्टेबल तो करण हो रहा था वो कुछ और लाल 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 होटल से उन्होंने उनके चुमिया नहीं उसका सलमान को तो उनको <laughs> काफी फिर उन्होंने उनके साथ डांडिया भी खेला, भी खेला। और उन्होंने उन्होंने बोला बोला मेरी तारीफ करो। मतलब तारीफ करो तो सब मतलब मतलब तो सबसे मुझे ऐसा सबको एक ही डायलॉग मारी थी प्लीज आपके मुंह से तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है बिग बॉस को भी छोड़ी बिग बॉस मुझे आपके मुंह से तारीफ ना बहुत अच्छा लगता है आप मेरी तारीफ करें बिग बॉस सलमान खान के मुंह से आप भी मेरी तारीफ करें बॉस ने भी थोड़ी बहुत ही नहीं दिया अविनाशादा शहजादा तो बेचारा बहुत अच्छा, ही कॉन्शियस हो गया था अच्छा जो हुआ वो विवेन के साथ हुआ तो शुरू में ही उसको गले लगा कर ना उसको साइड पे ले आई थी तो उन्होंने बोला आप बिग बॉस के लाडले हैं hmm. विविन hmm. आप बहुत हॉट भी हैं और यूँ टच करी थी मैंने अच्छा अगर ये hmm. इसको टच कराने देता ना और ज़्यादा और कुछ नहीं बोलता इस पर तो फिर तो मैं इसका मुद्दा बनाती <laughs> <laughs> मैंने सोच लिया था लेकिन उसने नहीं मैंने बोला यहाँ पे तो आप बड़े टची टची हो रहे हैं करन ने बताया कि तो पे तो आप क्या टच करना तो वो करन बोला के जो आप इतना टची हो रही टची है ना ये इनको पसंद नहीं है ये लोगों के दूर दूर भाग जब करण ने अलर्ट किया ना मलिका को यार नहीं करो टच में चुके हैं उसके बाद और टच किया नहीं बोला कि अच्छा मैं तो बहुत प्यार से टच कर रही थी क्या आपको मेरा टच करना अच्छा नहीं लगा तो आपको मेरा टच करना अच्छा नहीं लगा तो उसने फिर बोला कि भाई जब आपको

दफा मिले ज्यादा मिले आठ दफा मिले है। है। इन इतने सालों में हमारी आठ दफा मुलाकात हुई ये लेकिन, लेकिन बॉन्डिंग बहुत अच्छी है वो ये अलग है लेकिन मेरा दिल खुला है <laughs> <laughs> और फिर उसके बाद अविनाश भी बहुत ज्यादा <laughs> ही उनके लिए शेर और शायरी कर रहे हैं फिर उसके बाद उनके मौत का नंगा नाच किया उन्होंने नंगा नाच कर रहे हैं वो तेरा तो तो उन्होंने डांस वांस खूब किया है उनके साथ तो ये देखने में काफी मजा आया शहजादा भी आ गए थे फिर गुणरतन तो जी भी आ गए थे बग्गा जी आ... भी आ... बग्गा जी को खैर भी उन्होंने इतनी लाइन नहीं कराई लेकिन जब उन्होंने टास्क कराया वो जो हाँ। तीन इंसिडेंट्स हुए थे उनको अलग एक अलग अलग एंटरटेनमेंट

एक्चुअल में उस कॉमेडी में भी हो गया हो रहा था मुझे लगा कि वो नहीं कर पा रहा था जितना अविनाश बैक टू बैक हाँ। कर रहा था ना अविनाश ने वैसे उसमें बहुत अच्छा खेला मतलब अविनाश के कमबैक्स वैसे करन, के नॉर्मली बहुत अच्छे होते हैं लेकिन हाँ। अविनाश अभी जो कमबैक्स दे रहा था और हाँ। जिस तरह वो कर रहा था वो हंसते करना था दोनों अच्छा करता है वो एकदम से जो अचानक से उसका आता है ना वो ज्यादा अच्छा होता है अब उसको सिचुएशन में आपने वो करा था ना तो मेरे ख्याल से उसमें जो वेल प्ले किया वो अविनाश ने, ने किया जिस तरह से वो डायलॉग मार रहा था जिस तरह से वो भाई नहीं बोल रहा नहीं बोल वो, रहा था। हाँ, तो यहाँ पर पॉइंट जाता है अविनाश अविनाश जो का वन करण का जीरो हाँ। <laughs> तो यहाँ पे अच्छा उसने किया था लेकिन हाँ मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में ना आगे भी थोड़ी सी अनबन रहेगी रहेगी रहेगी, रहेगी।, रहेगी। अविनाश और करण के बीच में जिस तरह से अभी वो चीजें चल रही हाँ, हैं फिर विवियन और श्रुतिका का था जो वो वही टची वाला हाँ, सिस्टम था वाला उस लड़ाई हो गई थी उनकी तो उसमें दोनों के स्प्लिट हो गए थे दोनों स्विच करा करेक्टर को तो वो भी श्रुतिका ने काफी हद तक अच्छा किया विवियन तो एक ही बैठा हुआ था आवाज़ करके आवाज कर, कर रहा, था, हाँ। की रहा था तो वो भी काफी अच्छा था मजा आया हाँ। आ, उसके बाद ये लोग वो सलमान खान ने बनाई गोभी का था ना गोभी का पराठा और वो मक्खन मक्खन कैसे बना लिया बना रहे मक्खन बना रहे थे हाँ और खाया गर्म बहुत बुरा बनाया लेकिन खाया मतलब मानना पड़ेगा <laughs> तो। और बाकी ये तो सारे मंजे हुए सारे एक्टर हैं ये कृष्णा सुदेश और सुदेश भारती। और भारती यार। मतलब इन लोगों का ह्यूमर और इनकी कॉमेडी मतलब क्या टाइमिंग्स है इनको पता होता है कौन सा डायलॉग कब मारना है और एक दूसरे साथ बॉन्डिंग अच्छी है और उनको पता है, है, ना, आप बहुत अच्छी है। किसको ये नहीं मैं बोलती मैं ही रहूं। बोलता रहूं, मैं बोलता। मैं बोलती रहूं तुम जो हमारी कोऑर्डिनेशन तो की तरह तो नहीं कि मतलब फरवाई बोलती रहे और बेचारा तो फिर कॉमेंट्स में लोग कहते हैं यार बेचारे को बोलने दो शाहरुख आई मिस यू शाहरुख प्लीज तुम आ ही जाओ तो फिर ना? ये बहुत अच्छी टाइमिंग है उनकी कॉमेडी की तो अंदर भी वो लोग गए अंदर जाके जो उन्होंने बैंड बजाई है होई मतलब होई होई। कोई एक भी ऐसा नहीं है रोस्ट। तो उनको रोस्टिंग जो की है ना उन्होंने

है बिग बॉस का कि हाँ। ऐसे के बाद भी आपको एक स्क्रीन देने, देखो ना वो वो सही जा रही है लेकिन डायरेक्शन गलत जा रही है अब मुस्कान कुछ कह नहीं रही तो उसको तो बोलना पड़ेगा उसके लिए तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने जरूरत है मुझे ऐसा लगता है इसके बाद जो है ना इन सारी चीजों के बाद नायरा

दिखा रहे थे हाँ। वही वाली तो उसमें भी वो चाचू से बात कर रही थी बग्गा जी बग्गा जी का वो पर्सनैलिटी सामने आई थी तो बगा तो हाँ। दो 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 चेंज कर दो क्वालिटी चेंज कर दो बग्गा जी को इतना मतलब बेचारे हाँ। यार स्वीट तो है केयरिंग तो बहुत है इतना सब कुछ दे देते हैं भाई सब कुछ बांट देते हैं सब कुछ भाई ले लो आप मैं तुम्हारे पे झेल चला जाऊंगा तुम खुशी खुशी केयरिंग तो बहुत है केयरिंग में तो नो डाउट ये तो पूरी इंडिया का पूरा सबने देख लिया कि भाई रेड रेड फ्लैग हाँ, फ्लैग फ्लैग नहीं है है बग्गा जी ग्रीन है, हाँ। मतलब लड़की के लिए बग्गी मिल जाएगी कोई हाँ। तो फिर उसके बाद किसके साथ हुआ था और क्या हुआ था बस फिर यही कृष्णा और सुदेश वाला पूरा सिस्टम चलता है वो कृष्णा काफी अच्छी एक्टिंग करते हैं जो हो भाई उस वो तो एक ही चीज़ चाहता है ना कि उसने क्या कहा सलमान खान को भाई मेरा एक ही एजेंडा है कि आप लोग के साथ मैं ये मंच शेयर हाँ। कर रहा हूँ तो मेरा आगे करियर उसको आगे बढ़ेगा हाँ। तो सलमान मैं तुम्हारे साथ शो कर रहा हूँ कृष्णा कर रहा है तो यही यही चाहिए अच्छा एक मुझे लगता है वो रहा है और सारे इंडिया को एंटरटेन कर रहा है भाई सबको मजा आ रहा है अभी तक नो सात दिन के अंदर बंदा फेमस हो गया सही तो क्या चाहिए उसको मेरे ख्याल से सही गेम खेले है। सारे जो बोलते रहते हैं कि एक्टर एक्टर ये किरदार वो किरदार सारे किर, हाँ। सारे किरदारों को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है और खुद आगे निकल गए बट लेकिन ओवरऑल अगर मैं आज के एपिसोड देखू ना तो मुझे थोड़ी ना मतलब लाइक

भड़ास निकाल भड़ास निकालेंगे अपने दिल की बातें बोलेंगे प्रोमो आपने देखा कि क्या हो रहा था प्रोमो में कुछ मुझे बस वही जो होगा होगा नहीं मुझे कैप्टन सी का जो हाँ। मतलब मुझे कैप्टन के वो, वो, थी और उस हाँ, पे उस लगा रहे थे हाँ, उसका ले... क्या नाम रखा उन्होंने आ, मैं नाम में साउट हाँ, कर रही हूँ कुछ था कि टाइम समथिंग टाइम राजा पता नहीं कुछ इस तरह से था तो वो मुझे ऐसा लगता है कि कैप्टन इस बार इस सीजन में कैप्टन के बजाय वो राजा क्योंकि आप हुकूमत उस, होगी उसके मुताबिक आप जो है कोई हाँ, भी डिसीजन रिवर्स कर सकते हो हाँ, जो गलती हुई है हाँ, पास्ट में हां हुकूमत कर सकते हो तो उसमें एक सब अपना-अपना अलग-अलग नाम है ले, लेकिन सबसे बड़ी गलती जो है नायरा ने या तो गलती की है या होशियारी की है रजत का नाम लेकर रजत का नाम ले अब रजत उसके पीछे उस समय

एक ऐसा बंदा है जिसको अगर इतनी सी भी पिन घुसाओ ना वो पीछे पड़ेगा और चौबीस घंटे आपको कंटेंट मिलता रहेगा आपको मिलता ही रहेगा क्योंकि वो आपके पीछे ही पड़ जाएगा और उस बात का इतना बड़ा मुद्दा बना देगा ना कि हाँ। आ, मतलब पूरा घर इन्वॉल्व हो जाएगा ऐसा ही है। तो ये ये बात बात है अच्छा तो कृष्णा ने भी ये बात कही थी भारती को बोला भारती तू मार क्योंकि नेशनल टेलीविजन से कोई लड़की के ऊपर तो हाथ अच्छा तो यार मैं यही बोल रहा और उनके जो वन लाइनर्स होते हैं जो सबके लिए वो लेकर आए थे ना वो मतलब स्पॉट ऑन थे और मतलब उन्होंने

ये ये तीनों का ईशा और अविनाश ये लोग जो ग्रुप में डिस्कशन कर रहे थे जाने के बाद कि विवेन जो है वो वाकई इस तरह से बात कर रहा था ये वो और उसको इन लोगों ने दबे लफ्ज़ों में कहा भी कि इस तरह की चीज़ मत बोल और ज़्यादा बाहर आ और ज़्यादा दिख क्योंकि तू इतना नहीं दिख रहा इतना हाईलाइट नहीं हो रहा तो मतलब वो लोग उसको ऑब्वियसली कृष्णा uh, और भारती और ये लोग सब जो हैं hmm. विवेन को पहले से जानते हैं ah. उनकी एक अच्छी बॉन्डिंग है hmm. क्योंकि ऑब्वियसली इंडस्ट्री के हैं इतने पुराने bilkul, है, bilkul, साथ bilkul, bilkul. काम किया इतना तो ये लोग मुझे ऐसा लग रहा था कि बात कर रहे हैं कि वो जब जा रहे थे तो उन्होंने से जब बिग बॉस ने भी इनडायरेक्टली सलमान सर ने भी इनडायरेक्टली विवियन को बोला कॉल दिया और उनको ऐसा लग रहा है यार वो थोड़ा ना मतलब वही घमंडी हो जाता है जिसमें वो चीजें बोल देता है और सारी चीजें तो इसके लिए एक चीज है हाँ। तो लिखो ना अब ये लोग ही अगर तीनों बात कर रहे हैं तो विवेन को फुटेज तो ऐसे ही मिल रही है हाँ। जिसके बारे में बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये ना करते हुए भी, भी कुछ करना होता, करना होता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है चाहत के साथ ना बुआ वाला जा रहा है मतलब मुझे ना इतना इंटरेस्टिंग अब लग नहीं रहा चाहत वाला मतलब उसको छोड़ दे और मेनली अगर चाहत के बारे में इतना डिस्कस भी ना करो ना तो फिर मेरे ख्याल से इतना कंटेंट मिले भी ना उसको लोग एक्चुअली उसके बारे में डिस्कस बहुत कर रहे हैं और उसको आ, मुद्दा फालतू में बना रहे हैं कि ये 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 एकदम लीव, लीवर मतलब आ, छोड़ दे उसको थोड़े टाइम के लिए क्या? ना देखते हैं फिर क्या है चाहत बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब वो फिर कुछ ना कुछ तो, और जब बात हैं तो फिर... बात कर जाती है भाभी के पास जाके बोलने शादी करनी अच्छा हेमा भाभी से पहले एक बात तो मुझे याद आई वो जो मलाइका आई थी जो उन्होंने अपने लश्कारे और चारी में उनका अलग ही वो वैसे बोला मैं दिखाती हूँ sonçta <laughs> mı <laughs>

यू। यू। <laughs> जो आरफीन ने कहा हाँ। था तो, दिमाग चल रहा है आरफीन का हाँ, आरफीन का आरफीन का दिमाग ही तो बहुत चलता है लेकिन करण वीर की उनसे उन बहुत हटती है <laughs> आपने देखा करण वीर की बहुत अच्छा अच्छा अभी समझ तो ये मतलब लेकिन वो इतना बहस भी नहीं करता लेकिन उसकी फेस एक्सप्रेशंस बता रहे हो क्या सब समझ में आ रहा है कि बेटा तू चुप कर जा मेरे को भी पता है तू क्या कर रहा है तू चुप रहे तो वो जो है ना आरफीन और करणवीर हाँ। की कोल्ड वॉर टाइप्स जो है ना वो चल रही वो होती, है। होती है हाँ। अब देखते हैं कि और मजीद क्या नहां नहां है। मुझे लगता है है कि कल अब हाँ। तो अब अब वीकेंड जो नॉर्मल डे शुरू हो रहा तो थोड़ा और इंटरेस्टिंग होगा वीकेंड के बारे में मुझे इतना मज़ा नहीं आया आप लोग बताएगा आपको मजा आया कि नहीं आया बिल्कुल बिल्कुल आपको पसंद आया होगा हमारे बहुत ज्यादा ख्याल रखें कल आप बाय बाय